9 साल हो गए। आज बीच पर विजिट करने का क्या मकसद? मुसलसल शिकायत आ रही है, हम लोगों का रोज़ाना का आमद और रफ्त जो है वो आगरा रोड की तरफ है, और मुझे लगता है शहर का हर फर्द जो अपने घर से बाहर निकलता है उसका दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार आगरा रोड से जाना ज़रूर होता है। शहर का हर हिस्से के लोग जो आगरा रोड से गुजरते हैं, यहाँ तक कि जो बैरून शहर से लोग आते हैं उनका भी गुज़र आगरा रोड से होता है। मुसलसल ये जो एजाब इलाही मालेगांव शहर में ये फ्लाई ओवर है, इसकी मुखालफत जो हम लोग जब जनता दल में थे उस वक्त भी हमने की थी कि यहाँ पर फ्लाई ओवर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ स्काई वॉक की ज़रूरत है। लेकिन अपनी नुमाइंदगी को बताने के लिए शहर पर एक ये एजाब इलाही बनाया गया, जिसको मुकम्मल करने के लिए जो शैतान की आंत की तरह हो गया है, मुकम्मल करने में तकरीबन 8-9 साल लग गए, और आज भी मालेगांव शहर मुसलसल परेशान है। बस ये चाहता है शहर कैसे भी ये काम पूरा हो जाए ताकि आमद और रफ्त में आसानी हो। पिछले 2 महीना पहले समाजवादी के लोगों ने कमिश्नर से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, पुल के जो ठेकेदार हैं उनसे मिलाकर ये बात की थी कि जल्दी से जल्दी इसका काम मुकम्मल किया जाए, और उन्होंने इस बात का वादा किया था कि हम लोग 2 महीने में वो काम पूरा करेंगे। यही हम लोग देखने आए थे कि अब रमज़ान का महीना 15-20 दिनों में लगने वाला है। मालेगांव शहर में मुस्लिम आबादी तकरीबन 80-85% है, और जब इधर से सबका जो आया है वो ख़रीदी के लिए आना आगरा रोड की तरफ होता है, तरावी हो, नमाज हो, आस पास मस्जिदें हैं, इसलिए जो ख़रीदी के लिए लोग, औरतें भी सड़कों पे होती है, इसलिए इस पुल की वजह से लोगों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ठेकेदार से ये बात करने आए थे कि आप फौरी तौर पे क्या क्या रियायत देंगे, जिसकी वजह से जो अभी हम यहाँ पे आए इससे 1 घंटा पहले यहाँ मुसलसल इतनी ट्रैफिक जाम थी कि साइकिल वालों का भी गुजरना मुश्किल था। ऐसे हालात रमज़ान महीने में ना रहे, क्योंकि पिछले रमज़ान में एक हादसा हुआ था, एक बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ था हादसे में, ऐसा दोबारा यहाँ ना हो। तो ये जिम्मेदारी ठेकेदार की भी है, मालेगांव कॉरपोरेशन की भी है, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट की भी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, और ख़ास तौर पर जो नुमाइंदे मालेगांव शहर में है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक बहाल रहे और कोई हादसे से मालेगांव महफूज रहे, उसके लिए कोशिश करें। आज हमने जब इनसे बात की ठेकेदार से, तो उन्होंने एक बात ये कही कि जो उन्होंने पत्रे लगाए हैं जिसकी वजह से सड़क को पास करने में पुल के नीचे तकलीफ़ हो रही है, तो वो फौरी तौर पर रमज़ान से पहले उसको खोल देंगे। और उन्होंने ये बोला कि भाई मैं अपने ऊपर जब उनका स्लैब का काम हो जाएगा, तो स्लैब का काम होने के बाद जो है वो नीचे से जैसे जैसे सामान हटा सकते हैं जितनी जल्दी हो सके कि पुल की तामीर में नुकसान भी ना हो और लोगों को ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम ना आए, इसकी पूरी कोशिश वो करेंगे, उन्होंने ये कहा है। कितने वक्त का उन्होंने बताया? उन्होंने ये कहा है कि रमज़ान से पहले अगर टेक्निकली कोई मामला नहीं आता है, जैसे पत्रे खोलने की बात है या जहाँ मिट्टी खड़ी जो पड़ी हुई है जिसकी वजह से आमद रफ्त में तकलीफ होती है वो, और उनसे हमने ये दरख्वास्त की है कि जो उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने लगाए हैं उसकी तादाद बढ़ा दें ताकि वो ट्रैफिक को बहाल करने में आसानी हो। दूसरा ये पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमारी दरख्वास्त है कि वो ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर अवेलेबल रखे ताकि माजी की तरह के हादसा दोबारा पेश ना आए। कितना वक्त लग गया? 8 साल का वक्त गुजर गया। यहाँ एक बात पूरे शहर में आम हो चुकी है कि काम कोई ना कोई रुकवा देता है किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करके, माहिती अधिकार लगा के। तो आपको क्या लगता है कौन बार बार इस ब्रिज के काम को रुकवाता है? देखो, एक बात तो समझ में आती है कि ये ब्रिज जो है ये गैर ज़रूरी है, यहाँ पर सवारी के ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोगों ने इसकी मुखालफत की थी, यहाँ तक के कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट से वो मामला आया दीवानी ट्रिब्यूनल में, वहाँ पर मालेगांव के कमिश्नर ने, म्यूनसिपल कमिश्नर ने एक लेटर बताया जिसमें उन्होंने आर्किटेक को ड्राइंग बनाने का 97-98 लाख रुपया कुछ उन्होंने दे चुका था, इसलिए अब हम वापस नहीं ले सकते, ऐसा उन्होंने कहा। ये पुल गैर ज़रूरी है, यहाँ पे फ्लाई ओवर की ज़रूरत थी क्योंकि इतराफ़ में जो है वो पैदल आने वाले लोग हैं, और जो लोग किदवाई रोड की तरफ से आते हैं वहाँ सारी स्कूलें हैं और इधर भंगार बाज़ार की तरफ से आते हैं, तो वो जाने वाले लोग जो है वो हज़ार गोली की तरफ, मछली बाज़ार की तरफ और मिर्ज़ा गालिब रोड की तरफ, ये इस पुल का कोई फ़ायदा उन लोगों को नहीं है जो पैदल चलने वाले हैं, उनके लिए ये मुसीबत है। इसीलिए हमने दरख्वास्त की थी कि यहाँ फ्लाई ओवर बनाया जाए, स्काई वॉक बनाया जाए, फ्लाई ओवर की ज़रूरत नहीं। लेकिन शायद
अपनी सियासी वजन बताने के लिए कि हमने फ्लाईओवर बना दिया, ये कारनामा है, लेकिन ये कारनामा नहीं है, ये मालेगांव शहर के लिए अजाब इलाही है जो शैतान की आंत की तरह इतना बड़ा हो गया है, इसका काम जो ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन अब ये शहर चाहता है किसी तरह भी ये काम मुकम्मल हो जाए। हमने चंद महीनों से कोशिश की कि ठेकेदार से मिलके ट्रैफिक की बहाली हो जाए, जल्दी से ये काम हो। अब जो लोग यहाँ पर रुकावट और रखना अंदाजी करते हैं उनके खिलाफ़ कारपोरेशन का भी और ठेकेदार का भी काम है कि वो कंप्लेन दाखिल करें और ऐसे लोगों को सामने लाए जो शहर का और आवाम का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई हादसा ट्रैफिक जाम से होता है उसमें इंसानी जान का भी नुकसान होता है, तो ऐसा काम रुकवाने वाले उसके ज़िम्मेदार होंगे। आपको क्या लगता है कौन रुकवाता है? अरे आप पत्रकार हैं, आप तो ज़्यादा जानते होंगे, आप बताओ कौन रुकवाता है, शायद मेरी मालूमात में इजाफा हो जाए। पहले कौन काम रुकवाता वो नहीं बोल सकते। अभी ये सबको पता है क्या है, यहाँ पे जो है ये ऐसा लोकेशन है कि इसमें हमने बहुत ज़बरदस्त फॉलो किया। जब मैं ये अचू कर सका नहीं तो यहाँ पे ना कितनी दिक्कत है, मेरे कितना मेरे पांचवा कॉन्ट्रैक्टर है। नहीं सर, पूरा शहर ये चाहता है कि ब्रिज बन जाए, पॉलिटिशियन ये चाहते हैं कि ब्रिज बन जाए, तो फिर रुकवा कौन रहा है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो स्टार्ट हो गए, अभी ये सवाल अभी नहीं होना चाहिए था। जब बंद था ये सवाल तो आप लोगों ने लेना चाहिए था। नहीं, हमको जब लेना था हमने लिया है। हमारा तो कैसा है सर मालूम है क्या, हमेशा से ये हेतु रहा कि फ्लाई ओवर बिला वजह है यहाँ। हमारा ये बोलना था यहाँ स्काई वॉक रहना चाहिए था और इस पे हमने लड़ा भी। देखो क्या है, मतलब मैम ये पहले ही ऐसा मेरे ये ब्रिज को कभी सबका विरोध था ना, जब स्टार्ट हुआ ना वही टाइम में उसको रोक देना चाहिए। नहीं तो हम तो कोर्ट में भी गए थे, पर यहाँ तुम्हारे कमिश्नर ने अहवाल किया कि हमने ड्राइंग बनाने के लिए करोड़ों रुपये दे दिया। मैडम मेरा देखो इतना क्रिटिकल वर्क चल रहा है ना, मैं काम कर रहा हूँ, हमारे हम PW में MMRD में काम करते हैं, तो हमारे साथ में पूरा एजेंसी खड़े रहता है, यहाँ पे है ना हम ही एजेंसी है। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ कारपेट ग्रास हेटलोन रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।